अभी सर्दी का मौसम आ गया है। सर्दी में मेन वात रोगों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जिसमें हड्डियों से संबंधित दर्द, जोड़ों में दर्द, अकड़न, इस तरह की समस्याओं का सामना सभी लोगों को करना पड़ता है। तो जो तिल का तेल है, तिल का जो चीज़ है, तिल जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तिल को, तिल में बहुत ज़्यादा फाइबर भी पाया जाता है, तो तिल को सुबह खाली पेट खाने से वह पाचन में भी हमारे बहुत मदद करता है, हड्डियों को ताकत देता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, उसमें आयरन भी होता है तो वो खून की कमी को भी पूरा करता है, और हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे बाल झड़ते हैं, असमय सफ़ेद हो जाते हैं, तो तिल का तेल जनरली जितने भी केश तेल मार्केट में आते हैं उसमें बेस जो है वो तिल का तेल रहता है। तो तिल का तेल, तेल भी उसका यूज कर सकते हैं। तेल का हम लोग गंडूस कहते हैं, मुंह में भर के उसको कुल्ला करते हैं, जिससे दांतों के इनेमल जो है वो जगह अपनी छोड़ते हैं, मजबूती उसकी बनी रहती है। दांतों के जो पैरिया जैसा रोग है उसमें बहुत फायदा करता है। मेन मतलब बताया कि डाइजेशन के लिए ठीक है, पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि थोड़ा गर्म रहता है इसलिए उसकी मात्रा को अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से या जानकार व्यक्ति से पूछ कर ही उसका उपयोग करना सेवन चाहिए। किस प्रकार करें तिल का सुबह? तिल का सेवन सुबह खाली पेट में करिए, एक एक चम्मच 3 3 ग्राम के लगभग सुबह, 3 ग्राम शाम को खाली पेट में चबा चबा कर लिया जा सकता है। तिल को घी में भून कर भी लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तिल का तेल की मालिश से हड्डियां मजबूत होती है, वात रोग दूर होता है।